कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून लेजेंड्स में। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारे बचपन के इन टीवी शोज में मल्टीवर्स और टाइमलाइन एग्जिस्ट करता है, तो उसी एपिसोड के पार्ट टू में आप लोगों का स्वागत है। जिन लोगों ने मल्टीवर्स एग्जिस्ट इन अवर चाइल्डहुड टीवी शोज इस एपिसोड का पार्ट वन देख रखा है तो तब तो ठीक है, बट जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके पहला वाला पार्ट देख के आओ, वरना आपको पार्ट टू समझ में नहीं आने वाला है। इस एपिसोड के पिछले वाले पार्ट में हम इस कंक्लूजन में पहुंचे थे कि हथौड़ी, परमैन, डोरेमोन और कितरेत्सु ये चारों एक ही मल्टीवर्स के चार अलग अलग टाइमलाइन हैं, जो कि बीच बीच पे एक दूसरे के साथ मर्ज हुए थे, जिसकी वजह से सेपरेट ब्रांच टाइमलाइंस क्रिएट हो गए। और पिछले वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में हमने बात की थी, जैसे कि परमैन और डोरेमोन का एक साथ होना, फिर परमैन और निंजा हथौड़ी का एक साथ होना, और फिर नोबिता बैठ के टीवी में कितरेत्सु और कोरोसुके को देख रहा था, ये सब। और आज हम इससे आगे की बात करने वाले हैं, तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आपके मन में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं, और मैं सीरियस हूँ। पिछले वीडियो का एकदम लास्ट का टॉपिक जो था वो ये था कि परमैन का टाइमलाइन से मिचिको और कितरेत्सु का टाइमलाइन से जो मियोको है, ये दोनों लिटरली सेम है। मतलब सेम मैं इस तरीके से बोल रहा था कि लुक वाइज देखो सब कुछ सेम, यहाँ तक कि नाम में भी कुछ सिमिलर है, जैसे कि मियोको एंड मिचिको। सो अब ये पॉसिबल कैसे हुआ? सो भाई देखो, इसका कोई ठोस प्रूफ तो आज तक ऑफिशियल भी नहीं निकला और किसी ने आज तक इस टॉपिक में बात किया भी नहीं है। तो बेसिकली मैंने एक थ्योरी निकाली है, थ्योरी सुनने में तो लेम लगेगा बट एक बार सुन लो। तो यहाँ पे मियोको जो है वो कितरेत्सु के टाइमलाइन से है और वो कितरेत्सु का टाइमलाइन का मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, लेकिन यहाँ पे परमैन या फिर मित्सुओ के टाइमलाइन से जो ये मिचिको है वो उस टाइमलाइन का मेल फीमेल प्रोटैगनिस्ट नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर ज़्यादा फोकस पाको या फिर कहे तो सुमिरे पर किया गया था। सो थ्योरी स्टार्ट यहीं से होता है कि जो कितरेत्सु का टाइमलाइन है वो बेसिकली थोड़ा पास्ट में एग्जिस्ट करता है, और जो परमैन का टाइमलाइन है वो मतलब ज़्यादा तो एडवांस नहीं पर थोड़े से फ्यूचर में एग्जिस्ट करता है। सो एक मिनट के लिए हम ऐसा सोच के देख सकते हैं कि कितरेत्सु और मियोको जो हैं वो इस टाइमलाइन में यानी कि परमैन के टाइमलाइन में मिचिको का किसी तरह से रिलेटिव या फिर कहे तो पूर्वज है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि कितरेत्सु का जो टाइमलाइन है वो बेसिकली थोड़े पास्ट में बिलोंग करता है, तो यहाँ पे आप इस पिक को ध्यान से देख सकते हैं जो कि कोरोसुके का है, और यहाँ पे ये लिखा है कि डोरेमोन जो है वो एक्चुअली में कोरोसुके का कज़िन है। तो इस बात से तो साफ साफ क्लियर हो जाता है कि कोरोसुके का लिंक डोरेमोन से है। सो फाइनली हम इसी बात पे कंक्लूड करते हैं कि डोरेमोन और कितरेत्सु का जो सेपरेट मर्ज टाइमलाइन है वहाँ पे जो डोरेमोन और कोरोसुके हैं वो दोनों कजिन्स हैं। और तो और यहाँ पे डोरेमोन के टाइमलाइन के साथ परमैन के टाइमलाइन का जो सेपरेट मर्ज टाइमलाइन है वहाँ से ये पिक देख सकते हैं जहाँ पे कि वो उस टाइमलाइन का जो सुनियो है वो अपने टैब में मिचिको का फोटो अपने दोस्तों को दिखा रहा होता है, जो कि एक हिसाब से उसका रिलेटिव होता है वहाँ। और कितरेत्सु और डोरेमोन का जो सेपरेट मर्ज टाइमलाइन है और डोरेमोन और परमैन का जो ये सेपरेट मर्ज टाइमलाइन है, अगर इस दोनों को हम एक साथ लिंक करें तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि कितरेत्सु और मियोको इस मिचिको के पूर्वज हैं। और तो और यहाँ पर भी जो कोरोसुके है और डोरेमोन है वो दोनों कजिन्स हैं, जो कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया था। सो ये थ्योरी होती है यहाँ पे ख़त्म, और हम आप बढ़ते हैं दूसरे थ्योरी पर। सो बेसिकली नेक्स्ट थ्योरी यही है कि जो हथौड़ी का टाइमलाइन है और कितरेत्सु का टाइमलाइन है वो भी किसी न किसी तरह से लिंक्ड है, क्योंकि कितरेत्सु के टाइमलाइन का जो कितरेत्सु साइसामा है, मैं कितरेत्सु की बात नहीं कर रहा, उसका नाम था कितरेत्सु डाइहाका, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट कितरेत्सु साइसामा की, जो कितरेत्सु के एपिसोड 1 में कितरेत्सु के ड्रीम में आए थे, जिनका की वो बुक है जिसको देख कर के कितरेत्सु सारे गैजेट्स बनाता है। सो वो कितरेत्सु साइसामा एक्चुअली बिलोंग करते हैं इगा टाउन से, जहाँ कितरेत्सु डाइहाका एक बार गया भी था उसके टाइम मशीन के जरिए, और ये वही इगा टाउन है जहाँ से अपना प्यारा
निंजा हथौड़े भी आया है। सो ये कोई ठोस प्रूफ तो था नहीं, बट हम ये कह ही सकते हैं कि कितेत्सु का टाइमलाइन और हथौड़ी का टाइमलाइन भी एक जगह पे जाकर मर्ज्ड हुआ था और उससे भी एक सेपरेट टाइमलाइन का ब्रांच क्रिएट हो गया है। तो अब तक हमने जो जो भी कहा है उसको ऑफिशियल प्रूफ और अच्छी तरीके से यानी कि बेटर वे में समझाने के लिए एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो एक मल्टीवर्स में चार अलग अलग यूनिवर्स या फिर कहें तो चार अलग अलग टाइमलाइन है, जो कि एक है कितेत्सु का, एक है बर्डमैन का, एक है डोरेमोन का और एक है निंजा हथौड़ी का। तो अब तो आप जानते ही हैं कि दो यूनिवर्स या फिर दो टाइमलाइन के मर्ज होने से क्या होता है। तो इन चारों में से जो डोरेमोन और बर्डमैन का टाइमलाइन है, उन दोनों टाइमलाइन के मर्ज होने से जो सेपरेट टाइमलाइन बनता है वो ऑफिशियली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये देख लीजिए एक ऑफिशियल प्रूफ। और यहाँ पे ये जो है ये है गांको, जो कि है मित्सुओ एके परमैन की छोटी बहन। और अगर हम ठीक से देखें तो गांको के फ्रेंड्स लिस्ट में जैको और शुजुका का नाम अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये जो गांको है ये इसी मर्ज्ड टाइमलाइन का एक हिस्सा है। सो इस मर्ज्ड टाइमलाइन में जहाँ पर ये गांको एग्जिस्ट करती है तो आम बात है कि उसका भैया भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसी मर्ज्ड टाइमलाइन का जो यहाँ पे मित्सु है उसके भी आप ये ऑफिशियल ये जो पिक है यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके भी फ्रेंड्स लिस्ट में डोरेमोन और नोबिता का नाम हम देख सकते हैं। तो ये इससे अच्छा प्रूफ और क्या ही देख सकते हैं। तो फाइनली यही प्रूफ होता है कि ये जो मर्ज टाइमलाइन है ये नॉन कैनन नहीं है, ये ऑफिशियली कैनन है। सो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी भी कुछ बाकी है। और इन दो वीडियोस के लिए आपके माइंड में अभी तक जितने भी डाउट्स क्रिएट हुए हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, कमेंट बॉक्स है ना, जाके भर दो पूरा। वैसे भी मेरे खुद के माइंड में भी अभी बहुत सारे डाउट्स हैं एंड आई होप कि आपके माइंड में भी शायद से होंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि सारे डाउट्स क्लियर कर ले इस एपिसोड के अगले पार्ट में। और अब तक हमने मल्टीवर्स और टाइमलाइन के बारे में जितने भी मतलब कंक्लूजन में हम आए हैं, जितने भी फैक्ट्स बताए हैं, उनमें से ज़्यादातर तो ऑफिशियल प्रूफ के साथ हमने बोला है और सिर्फ कुछ खुद के फैन थ्योरी के मुताबिक बोला है। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि इनमें से सबसे स्ट्रेंज थ्योरी या फिर सबसे झोल वाला केस किसके साथ था। मुझे तो अभी तक लगता है कि सुमिरे के साथ। तो आपका ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और क्वेश्चन भी वहीं पर कर लीजिएगा। और इस वीडियो के लिए हम लाइक एम रखते हैं 70 लाइक्स का। आई होप कि आप लोग इस लाइक एम को पूरा कर दोगे। सो फाइनली लेट्स गो टू द गाइस दैट अपने मैजिक फिंगर्स को कर दीजिए इस वीडियो पर लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो चला गया ऐसे मजे का वीडियोस और देखनी है तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ऐसे वाले समय Instagram में फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहां पर वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।